उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग ने 112 थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यह विक्रेता लाइसेंस लिए हुए थे लेकिन दवा बिक्री का काम नहीं कर रहे थे। वहीं इनमें से कुछ दवा विक्रेताओं ने स्वास्थ्य विभाग को दवा खरीदने और बेचने का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे विक्रेताओं को पहले नोटिस भी दिया लेकिन विक्रेताओं ने स्वास्थ्य विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही क्रय विक्रय का डाटा उपलब्ध कराया। ये डिटेल की है, ये जो रिटेल रिटेल हम सब समझिए, हमें वो मत समझा। में ये आया है कि 112 जो थोक विक्रेता हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि वो जो थोक विक्रेता थे वो लोग काम नहीं कर रहे थे, उनसे नोटिस उनको दिया गया पर उन्होंने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप हेमंत सिंह नेगी जी ने इनके लाइसेंस कैंसिल किया। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए रुद्रपुर से राजपाल शर्मा की रिपोर्ट।